और जब हम आपस में लड़ने लगेंगे तो हमारा रेलवे बेच करके अपने दोस्त की तिजोरी में साहब पहुंचा देंगे। साहब ने कहा कि हम ट्रेन के डब्बे में चाय बेचते थे। गुरु, हम आपको चाय बेचते हुए तो नहीं देखे हैं, लेकिन रेलवे बेचते हुए आपको देख रहे हैं। ईडी सीबीआई तमाम एजेंसियों का शिकंजा आखिर विपक्ष पर क्यों कसा जा रहा है, ये इस वक्त का बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता, स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज में। दर्शकों, आपको बता दें कि लगातार विपक्ष की तमाम पार्टियों को ईडी, आईटी और सीबीआई घेर रही है, चाहे वो लालू प्रसाद की पार्टी हो, चाहे यहाँ पर अखिलेश यादव की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो। आखिर क्यों यहाँ पर ईडी सीबीआई अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रही है, ये सवाल इस वक्त विपक्ष खड़ा कर रहा है। लेकिन देखना यह है कि आखिर क्यों इस वक्त जो है कन्हैया कुमार लगातार बरसते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए इस वीडियो को। और वो कहती है, आधी अधूरी आजादी नहीं चाहिए, आजादी चाहिए तो पूरी आजादी चाहिए। और हमें गर्व है कि वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 15 अगस्त 1947 को देश को अंग्रेजों से आजाद कराती है। और देश जब अंग्रेजों से आजाद हुआ, पूरा देश जब आजादी का जश्न मना रहा था, उस जश्न के साथ इस देश के लोग रो रहे थे। इस बात को भी याद रखिएगा, इस देश के लोग रो रहे थे क्योंकि उस वक्त भी वही राजनीति हुई जिस राजनीति को हम 2014 से इस देश में देख रहे हैं। वही राजनीति हुई जो 2014 से आपके व्हाट्सएप पे आ रहा है। एक तरफ मुस्लिम लीग थी और मुस्लिम लीग के नेताओं ने कहा कि दो अलग अलग धर्म के लोग इस देश में एक साथ नहीं रह सकते हैं। दूसरी तरफ हिंदू महासभा थी जिसने कहा कि दो अलग अलग धर्म के लोग साथ में नहीं रह सकते हैं। लेकिन इतिहास याद रखिएगा, बड़े शर्म की बात है कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग साथ में मिलकर के सरकार बना ली थी। इस बात को याद रखिएगा। यह बात आज जब हम पार्टी की स्थापना दिवस मना रहे हैं तो एक एक कार्यकर्ताओं को याद रखने की जरूरत है कि जो आजादी 15 अगस्त 1947 को इस देश को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिलाया है, उस आजादी को अगर कोई बचा सकता है, जिस सपने को महात्मा गांधी ने इस देश में देखा है, उस सपने को अगर कोई बचा सकता है तो उस पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है और उस नेता का नाम राहुल गांधी है। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा। जब मैं छोटा था तो मैं अपनी दादी से ये सवाल पूछता था कि दादी ये बताओ, देश जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था तो दादाजी क्या कर रहे थे? तो मेरी दादी कहती थी, बेटा गरीब लोगों के लिए रोजी रोटी प्राप्त करना आज़ादी प्राप्त करने से कम नहीं होता है। इस बात को याद रखना, जो साधारण लोग होते हैं अपने रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, अपने रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, लेकिन देश जब परिवर्तन की ओर उन्मुख हो, देश में जब कोई बदलाव हो रहा हो तो उस बदलाव में शामिल होना सौभाग्य की बात होती है। मैं अपने सेवा दल के कुछ साथियों को यहां खड़ा देख रहा हूं, आप लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। यह सिर्फ वर्तमान की बात नहीं है, यह इतिहास है और यह इस देश का भविष्य तय करने वाला है। इस बात को याद रखिएगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि दो तरह के विचार के लोग इस देश में रह रहे हैं। एक वो है जो इंसान को आपस में बांटना चाहते हैं, एक वो है जो नफरत की भाषा बोल रहे हैं, एक वो है जो इंसान को आपस में उनकी पहचान के आधार पर लड़ा रहे हैं, एक वो है जो इस देश के लोगों का रोजी रोटी छीन करके अपने दोस्तों की तिजोरियों में भर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जिसको इस देश के लोगों को जोड़ करके रखना है, उनके बीच में मोहब्बत का पैगाम और संदेशा लेकर के जाना है, उनको इस बात को इंश्योर करना है कि इस देश के भीतर सबके लिए रोजी रोटी का इंतजाम होगा। यह देश सबका है, सिर्फ प्रधानमंत्री के दोस्त का नहीं है। इस बात का हमको संघर्ष करना पड़ेगा। इसीलिए जब आज हमारे सामने दो तरह के विचार है, एक तरफ वो लोग हैं जो नफरत की भाषा बोल रहे हैं,
तो दूसरी तरफ हम तमाम लोगों को मोहब्बत की भाषा बोलनी पड़ेगी। एक तरफ वो लोग हैं जो दंगा फैलाने की बात कर रहे हैं, हिंसा करने की बात कर रहे हैं, तो हमको आपस में मिलजुल करके एकजुट होकर के रहने की जरूरत है। और आप लोगों ने देखा होगा, एक सांसद हैं भोपाल की, सुना है कि नहीं सुना है, मैं उनको साध्वी नहीं बोलता हूं, क्योंकि साध्वी की भाषा में ना हिंसा नहीं होती है। जो सन्यासी होता है वो नफरत की बात नहीं करता है, जो सन्यासी होगा वो नफरत की बात नहीं करेगा, और जो नफरत की बात करेगा वो सन्यासी नहीं हो सकता है, इस बात को याद रखिएगा। तो वो जो सांसद हैं उन्होंने हिंसा की बात की, तो मुझे इसमें ना एक एक जो है साजिश दिखाई देता है। साजिश जानते हैं क्या है? वो सांसद महोदया एक्चुअली जया शाह के पापा का मजाक उड़ा रहे थे। जया शाह के पापा का मजाक कैसे उड़ा रहे थे? देश का गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है ना। तो कानून व्यवस्था का पालन करना किसका काम है? अमित शाह का। तो साध्वी ये कह रही थी कि अमित शाह निकम्मा है, इसीलिए अपने घर में चाकू तेज कर लिए, यही कह रही थी ना। उस बयान का यह भी मतलब तो निकाला जा सकता है कि आप इस देश के बहुसंख्यकों को डरा रहे हैं और आप यह बता रहे हैं कि जया शाह का पप्पा किसी काम का नहीं है, इसीलिए अपने घर में चाकू तेज कर लीजिए। यह बात आपको ठीक लगती है? यहां पुलिस के लोग वर्दी पहन करके खड़े हैं, क्या मैडम हम ही लोग चाकू तेज कर लें तो आप लोग क्या कीजिएगा? उत्तर प्रदेश पुलिस की तरह मुंह से ही ठाई ठाई कीजिएगा? क्या कीजिएगा बताइए? बताइए इस देश की सिक्योरिटी फोर्सेज क्या करेगी? बताइए इस देश की पुलिस क्या करेगी? बताइए इस देश की न्यायपालिका क्या करेगी? बताइए इस देश की अदालतों में क्या होगा? बताइए इस देश में कानून व्यवस्था का क्या होगा? अगर हमको अपने घर में चाकू तेज करना है तो फिर गृह मंत्री किस लिए? अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाने के लिए किस लिए है गृह मंत्री? किस लिए है रक्षा मंत्री? इस सवाल को अपने मन में पूछिए, और इस सवाल को जब आप अपने मन में पूछेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यह नफरत की भाषा क्यों बोली जाती है। यह नफरत की भाषा इसलिए बोली जाती है ताकि हम आपस में लड़ने लगें, और जब हम आपस में लड़ने लगेंगे तो हमारा रेलवे बेच करके अपने दोस्त की तिजोरी में साहब पहुंचा देंगे। साहब ने कहा कि हम ट्रेन के डब्बे में चाय बेचते थे। गुरु हम आपको चाय बेचते हुए तो नहीं देखे हैं, लेकिन रेलवे बेचते हुए आपको देख रहे हैं। गुरु हम आपको चाय बेचते हुए तो नहीं देखे हैं, लेकिन बीएसएनएल बेचते हुए देख रहे हैं। गुरु हम आपको चाय बेचते हुए नहीं देखे हैं, लेकिन LIC बेचते हुए देख रहे हैं। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? और अगर कोई चाय बेचने वाला होता तो दूध का दाम बढ़ाता क्या? मैं मोदी जी की तरफ पूछूं क्या? अगर कोई चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री होता तो जब नया साल आने वाला है तो 2 रुपया दूध महंगा किया जाता क्या? दूध से इनका नाता नहीं है, चीनियों से जरूर है। दूध से नाता हो ना हो, चीनी से जरूर है। और यह बात मैं क्यों बोल रहा हूं? पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई हमारे यहां आ गया, गलत किया, पूरी तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चाइना का विरोध करती है, उसकी निंदा करती है कि चाइना को कोई अधिकार नहीं है को हमारी सीमा में घुसे, और अगर घुसेंगे तो हमको अपने देश के जवानों पे भरोसा है। हमारे घर में लोग फौज की नौकरी करते हैं, इसीलिए हमको पता है। अरे जूता नहीं भी होगा ना तो हौसलों से उनका मुकाबला करेंगे, यह बात हम जानते हैं। लेकिन कुछ निकम्मे लोग हैं कि बड़ी चालाकी से वर्दी के पीछे छुप जाते हैं, कभी वर्दी को बदनाम कर देते हैं, कभी वर्दी के पीछे छुप जाते हैं। जब प्रज्ञा बोल रही थी चाकू तेज कर लीजिए, तब वर्दी को बदनाम कर रही थी, पुलिस वालों का मजाक उड़ा रही थी, और जब सरकार से सवाल पूछा गया तो वर्दी के पीछे छुप गए। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं
कि विपक्ष होने के नाते हम सरकार से सवाल पूछते हैं, और सरकार से सवाल पूछना सेना का अपमान करना नहीं होता है। सरकार ये जवाब दे कि प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि ना कोई आया था ना कोई आया है, तो हमारे जवान घायल कैसे हुए, इस सवाल का जवाब रक्षा मंत्री को देना चाहिए। तो देखा आपने इस वीडियो को, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर कन्हैया कुमार अपने गुस्से को निकाल रहे हैं और कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तेज आवाज है लेकिन तेज आवाज में सच्चाई छुपी हुई है, लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में क्या देश के प्रधानमंत्री कन्हैया कुमार की इस आवाज को सुनने के बाद जवाब देंगे। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज़।